तरह की हमारे मंच पर बैठे योगी सुकराईनाथ जी और जितने भी मंचासीन हमारी मातृशक्ति और साधु समाज नाथ समाज और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु छायाकार बंधु और समाज सेवी और मोखरा गांव के जितने भी बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित व्यक्ति और युवा ताकत मेरे देखने को मिली, मैं आप सबकी ताकत को आप सब युवाओं को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कुछ पत्रकार बंधुओं से जो पीछे खड़े हैं, सोनू बाली जी जैसे लोग, हमारे ग्राउंड मीडिया जैसे लोग और जितने लोगों को मैं नहीं जानती उनसे भी कि 5 मिनट अगर आप साइलेंट होकर सुनोगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगी। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह खाना पूर्ति कर विराम दे दूंगी। जब मंच से कोई योगी बोले, जब मंच से कोई संत बोले या मंच से कोई महिला बोले, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको आराम से सुने समझे, उसको ग्रहण करना ना करना आपकी मर्जी है। पंचायत के नियम और कानून कितने आप यहाँ लागू कर रहे हैं, 10% भी आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। दूसरी विशेष बात चल रही है एक महिला की, मैं भी एक महिला हूँ और एक मंदिर से आई हूँ और हमारे मंदिर में हवन होता है, पूजा होती है, भंडारा होता है, तिलक लगाते हैं, मोली बांधते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और गर्व से कहते हैं कि भारत माता की जय, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन एक महिला जिसके प्रचार में मीडिया, जिसके प्रचार में हम संत लोग, जिसके प्रचार में पूरा गांव मोखरा निकल गया, उसको और क्या चाहिए। असली भक्त तो आप लोग हो उसके जो उसका प्रचार कर रहे हो। असली जिम्मेवार ये पंचायत और ये गांव है जो प्रचार कर रही है। दूसरा मैं एक जवाब देना चाहती हूँ, कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि बाहर के लोग, मेरे को जवाब दे के जाना आप किसी में भी दम है, हम बाहर के कहाँ से होंगे, सन्यासियों का अपना कोई गांव होता है क्या, या कोई आर्य समाजियों का अपना क्षेत्र होता है क्या, या किसी संत की कोई जाति होती है क्या। संत का ना कोई क्षेत्र होता, ना संत की कोई जमीन होती, संत और सांप और साधु बड़े बड़ाए में जाया करते, इसलिए ये मोखरा गांव भी हमारा है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हम करेंगे और तुम नहीं आओगे, क्यों नहीं आएंगे, मोखरा भी हमारा है, हरियाणा भी हमारा, सारा प्रदेश हमारा है, इसको हमें कौन रोक लेगा। और हाँ, राष्ट्र ने जहाँ जहाँ जब जब तब तब हमारी जरूरत पड़ेगी, जहाँ आप लोगों का पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहाने के लिए तैयार है। दूसरी विशेष बात और कहना चाहती हूँ, हरियाणवी आप लोग खूब समझते हो और बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी कितनी बड़ी खागड़ी होगी कि गांव कट्ठा हो गया रुक दे नहीं आप है, कितना बड़ा साग हो गया कि इतना गांव कट्ठा हो गया रुकदा ही नहीं रोड़ा, हाँ तो होगी, आप लोगों ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया एक महिला का। दूसरी बात वो मुझे भी कह रही थी, स्वामी जी को भी कह रही थी और भी सन्यासियों को कह रही थी कि मैं ये कर दूंगी, फलाना कर दूं। देखिए, हो सकता है उसकी किसी एक्साइज के लोगों के साथ सेटिंग हो दारू में, हो सकता है किसी और लोगों के साथ उसका कोई ऐसा व्यापार का धंधा हो, इस सारे प्रकरण में, इस सारी भूमिका के अंदर वो अकेली लिप्त नहीं, उसके साथ 20-30-50 लोगों की एक ऐसी टीम है जिसको उसका फंड जाता है, जिसको उसका पैसा जाता है। आप लोग गहराई से देखिए, जिस दिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपने छायाकार और पत्रकार बंधु से, यूट्यूब वाले लोगों से, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, हम जो कुछ है ना, साध्वी से साध्वी देवा ठाकुर आप लोगों ने बढ़ाया मुझे, एक साधारण लड़की से गांव से उठाकर राष्ट्र लेवल पे आप लोगों ने दिखाया मुझे, तो इस महिला का मैं ये नहीं कहती कि आप ना दिखाओ, मैं ये नहीं कहती कि आप प्रचार प्रसार नहीं करो, मैं ये नहीं कहती कि मोखरा गांव आ जाके मत्था ना टेके, लेकिन इतना निवेदन करना चाहती हूँ, एक महिला इतने पुरुषों पर भारी, गजब की बात है। और आप लोग यहीं से उठकर, क्योंकि कुछ पीने वाले भी हैं यहाँ, कुछ नशा करने वाले भी हैं यहाँ, कुछ हरियाणवी में यूं कह अगर स्वाद लेने वाले भी हैं, तो ये बात है, ऐसे स्वाद का और ऐसे नशे का और ऐसे एंजॉय से अपने युवाओं को बचा लो, ये बहुत खतरनाक है। आज के समय में आपको पता नहीं, कोरोना से लोग मर गए, आज लोगों के पास पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है, युवा बेरोजगार है। पत्रकार सवाल करते हैं कई बार, साध्वी जी आपने सोना पहन लिया, साध्वी जी आपने ड्रेस पहन ली, मैं कहती हूँ मुद्दे की बात करिए ना, और भी बहुत विषय है, बेरोजगारी विषय है, घर घर में जाति पाति का जहर आप लोगों के बीच में हमारे जैसे नेता छोड़कर जाते हैं, उस विषय में बात करिए,
स्वामी जी को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ कि एक मर्द तो बाकी है, एक साधु तो बाकी है, एक सन्यासी तो बाकी है जिसको पीड़ा हुई। और ये बात कहकर आपको माफी मांगनी चाहिए कि आप बाहर के लोग क्यों आए। सन्यासी कभी बाहर का नहीं होता, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, इसलिए आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। और स्वामी जी का अगर आप साथ नहीं दे सकते ना, तो अन्यथा टांग खिंचाई मत करिए। इससे पहले भी साध्वी देवा ठाकुर हुए, स्वामी जी हुए, और भी हमारे क्षेत्र के या समाज के लोग हुए, मुकदमे किसपे नहीं होते, मुकदमे कौन नहीं भुगतता। जिसकी चर्चा होती है, जिसके पास खर्चा होता है, बात उसी की होती है। कहना यह चाहती हूँ, ये पाखंड आप लोगों से बंद होता है तो करिए, नहीं तो यहाँ पर एक एक शेर, एक एक पुरुष, एक एक आत्मा इतनी ताकतवर है तो सौदा ही की नहीं कुछ को नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।